वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। आज सुबह से हम आपको अपडेट कर रहे थे कि आज हमारा 10 से 11 का स्लॉट जो है आप लोगों से इंटरेक्शन का स्लॉट है, और आज हमारे पास जबरदस्त सा पैनल मौजूद है। 2019 जो आने वाला साल है वो आपके लिए किस तरह का होगा, पॉलिटिकल एतबार से भी आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी हद तक पाकिस्तान में रहने वाली है। पाकिस्तान के हवाले से हम कुछ प्रेडिक्शंस लेंगे और उसके लिए हमारे पास पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस करती चलूँ कि हम लाइव कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं आज। अगर आपको सवाल करना चाहते हैं अपने कारोबार के हवाले से, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो आपको चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी और यहीं पर हमारे जो पैनल पे लोग मौजूद हैं वो आपको गाइड करेंगे और आपके आने वाले साल के हवाले से भी आपको बताएंगे। जनाब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली ने, जो कि पामिस भी हैं, स्टॉलर भी हैं और मुख्तलिफ तरह से जो है आपको आपके जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से गाइड भी करेंगे। उसके अलावा जनाब हमारे साथ होंगे यासीन वटू, उनको भी हम वेलकम करते हैं, और सैयद अली जैदी हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब हम डिस्कशन करते हैं कि आज हम किस तरीके से बात करने वाले हैं या किस तरह से लोगों को गाइड करने वाले हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली, मैं आपसे आगाज करूंगी। हम चूंकि कैलेंडर्स के एतबार से और कुछ हिसाब किताब होता है उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या तरीकाकार होता है जिससे लोगों को गाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। और लाहौर न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन बेसिक है जो शेयर करूँगा मैं। कैलेंडर जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और दुनिया में 43 से ज़्यादा कैलेंडर्स जो हैं वो राइज हैं इस वक्त, मगर चार जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। उसमें आ जाता है क्रिश्चियन कैलेंडर, ईसवी कैलेंडर, रोमन कैलेंडर, ये सिकंदर आजम की पैदाइश से शुरू होता है, और इसके अलावा बिक्रमी कैलेंडर है इंडियन, और उसके बाद फिर इस्लामी कैलेंडर जो है ये है, ये हिजरत के बाद शुरू होता है। अच्छा, अब ये जो है ये चार कैलेंडर्स जो हैं इसमें जो मसीही जो कैलेंडर है या रोमन है ये आधी रात से शुरू होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस के अंदर टाइमिंग्स का बहुत हिसाब किताब रखना होता है। और ये जो इंडियन कैलेंडर है ये फजर के बाद शुरू होता है। इसी तरह जो इस्लामी कैलेंडर है मगरिब के बाद नई तारीख आ जाती है। तो इस्लामी कैलेंडर जो है वो एक साल में 354 या 355 दिन होते हैं इसके अंदर, और इसका जो डिफरेंस है इंग्लिश कैलेंडर से वो तकरीबन 11-12 दिन कम होते हैं इसके, और 33 साल के बाद ये जो इस्लामी कैलेंडर है ये एक साल आगे चला जाता है क्रिश्चियन कैलेंडर से। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम इन चारों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेशंस जो है वो करते हैं, ताकि कैलकुलेशन जो है उनकी एक्यूरेसी जो है वो नियरेस्ट हो। जानने वाली मुकम्मल अल्लाह पाक की ज़ात है, मगर ये है कि इंसान को जो थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है इस हवाले से कि आपको क्या किस तरह की चीज़ें बेहतर तौर पर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हम इस पे डिस्कशन तो मजीद करेंगे, और अब चूंकि हम लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन बाकी दो मौजूद मेहमानों से भी जाऊँगी। यासीन जी, सब आपकी जानिब आऊँगी। हम जो भी हिसाब किताब और जो 2018 की बात करें, किस तरह का साल रहा आपके उस नॉलेज के मुताबिक, और ये आइंदा आने वाला साल किस तरह का होने वाला है? जो गुजर गया माजी उसको क्या करना। अरे वाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम देखो जो गुजर गया, लेट बाय गॉड बी बाय गॉड, अब तो आ गया नया साल, चले नए साल का। हाँ, ये बड़ा मुबारक साल है। साध इसको कहते हैं, मैं कहूँगा इसको साध साल। अच्छा, इसलिए कि इसका जो मुफरत अदद जो है ना वो बनता है 3। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान का अदद भी 3, ठीक हो गया। अल्लाह का अदद भी 3, ठीक। बिस्मिल्लाह और रहमान का अदद भी 3, वो कुरान की पहली आयत है, मुबारक आयत है। और उसके बाद ही इसके इमरान खान के 66 साल का हो गया, उसके भी नंबर बने 3, ठीक हो गया। ये 3 अदद जो है ना ये इतना बाबरकत अदद है, मैं समझू इल्म अदाद के 1 से लेकर 9 तक टोटल अदद होते हैं। बिल्कुल, उसमें जो है ना मैं इसको 3 को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। सही, सही। इसमें ये क्योंकि अल्लाह का अदद यही है तो बबरकत है, इसकी वजह से इस्लामी फरोग को जो है ना वो अपना उनको इजाफा होता है उसमें, जैसे ख्याल था इस्लामी इकदार में इजाफा होगा। उसके बाद आइली कवानीन जो है पाकिस्तान में जो आने बनने वाले हैं उसमें वो भी इसमें, जैसे तलाक का सिलसिला है मिसाल ना, जो औरतों के लिए खास उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैक्सिमम उनको जो है उनकी फेवर में कानून आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ इसमें साथ ही बनेगा। ठीक है, ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। देखते नजर ही आता है कि पता नहीं क्या होगा ये मुल्क, ये 2019 जो है ना ये बताऊँ इसमें पाकिस्तान ने बन जाना, मैं बताऊँ पाकिस्तान में इसमें फायदा ही फायदा हो गया। ये घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये देखो ना जब मकान बनता है ना
اینٹیں روڑے ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں، بڑا کلمزی سا ماحول نظر آتا ہے، بالکل جب وہ مکان بن جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کیا ہوا، دیکھنے والے سارے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا پراز ہے، دست اڑ رہی ہے، بڑا برا برا، لیکن جب تکمیل اس کی ہو جاتی ہے، ہاں یہ جو ہمارا خاص طور پہ جیسے بن جائے گا، پاکستان نے اسے 2019 میں مکمل ہو جانا ہے، اس کے بعد آگے یہ بڑا چلے گا، بڑے بڑے لوگ جو ہے پرانے لوگ ادھر ادھر وہ منظر سے غائب ہو جائیں گے اور نئے لوگ اچھے ٹھیک ہو گیا۔ منظر سے کون غائب ہونے والا اور کون منظر پہ آنے والا ہے؟ علی زیدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوسری بار مجھے اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ جو ملکی حالات ہیں وہ 2018 تو گزر گیا، لیکن 2019 میں بہت ساری نئی چیزیں ہونے والی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہونے والی ہے اس میں، آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں عدالتیں بہت زیادہ متحرک تھیں، لیکن اب عدالتوں کے ساتھ جو جتنے بھی قانون سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ سب متحرک آپ کو نظر آئیں گے، ایکٹیو رہیں گے، اور بڑے پیمانے پر ملک میں آپریشن ہوگا، اور وہ بھی سیاستدانوں کے خلاف، اکثر جو سیاستدان ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے، اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، اور ایک بڑی چیز ہوگی جو بیرون ملک بھی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی، جن پر پاکستان سے جو کچھ کرپشن یا کچھ بھی کسی پر ایلیگیشن ہیں وہ بیرون ملک بھی گرفتار کیے جائیں گے، بہت ساری عجیب و غریب کیفیت رہے گی۔ اور ایک چیز میں میرا علم اشارے دے رہا ہے، واللہ عالم وہ کیسے ہوگی میں اس بات کو نہیں جانتا، اسمبلیوں کی حیثیت وقت ختم ہو جائے گی، یعنی کہ کسی بھی قانون کو پاس کرانے کے لیے یا کسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلی کا کردار بالکل نہیں رہے گا۔ اچھا، ان کا کردار، ان کا کردار کوئی خاص نہیں رہے گا بغیر کسی، میرا جہاں تک علم ابھی تو بظاہر ایسی چیز نہیں، لیکن یہ 2019 میں ہونے جا رہی ہیں اسمبلیاں، اور پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت وقت نہیں، یہ غیر فعال سی آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا، اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے، لیجیے بھی ہمیں ڈاکٹر محمد علی کی جانب۔ ڈاکٹر محمد علی، ہم پولیٹیکل جو چونکہ عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اچھا جناب مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی، اس حوالے سے ہم آپ سے تھوڑا جاننا چاہیں گے۔ جی، میں، یہ یاسین وٹو صاحب نے ایک بات کی بڑی اچھی، یہ جو وقت ہے سعد اکبر ہے، بالکل، اور نمبر تین جو ہے، ایک چیز میں اس میں ان کی بات بڑی ہوتی ہے، جو ستارہ جوپیٹر ہے نا مشتری، وہ بھی تین نمبر کا ہے، اور مطلب ارے ہے نا جو ارینجمنٹ ہے جو سٹارز کا، اس میں سیٹرن ہے، مارس ہے، اور پھر جوپیٹر ہے، تو یہ تین نمبر جو ہے یہ انسرکل کر رہا ہے پاکستان کو، مطلب آسپیشیس ہے یہ۔ اچھا، اب آ جاتی ہے بات ان کی، خان صاحب کی گورنمنٹ کی، اس میں یہ ہے کہ سپٹمبر یہ جو ہے 2019 تک یہ انسٹیبلٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ چیز بہتر ہے، صحیح، یہ پانچ سال پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پورے کریں گے، ٹھیک ہے جی، بلکہ میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو بہتر، جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے اور پانچ سال جو ہے، یعنی ٹوٹل 10 سال کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ان کے حصے میں ہے، کیونکہ میں اس کو اٹیچ کرتا ہوں جوپیٹر کے ساتھ، جوپیٹر جو ہے اٹ ٹیکس اراؤنڈ 23 ایئرس، 23 سال کا سرکل کمپلیٹ کرتا ہے یہ، تو یہ جو ہے اس طریقے سے اگر ہم لیتے ہیں تو یہ 10 سال کا عرصہ تو ہے، اور اس میں پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ نظر آئے گی ہمیں انشاءاللہ۔ لولی لولی لولی، ٹھیک ہوگی صاحب، ہمارے ساتھ کال لے رہے ہیں، انہوں نے کہا واقعی صحیح بات کہ جو جوپیٹر کا تین نمبر ہے نا، جوپیٹر کے ساتھ مالیات سے بھی ہے، پیسے سے، اور جوپیٹر کا کلر گرین ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے فلیگ کا کلر بھی گرین ہے، بالکل صحیح بات۔ دیکھیں سر، آپ ریلیٹ کر رہے ہیں، علم کچھ تو کہتا ہے، کالر لے لیتے ہیں، سید علی حسین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سید علی جاری صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، میں اپنے کام کے بارے میں۔ جی 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 جی، پوچھے۔ شاہ صاحب، میں کافی 1-2 سال سے کام اپنا کروا رہا ہوں بائی کا، اچھا، لیکن ہو نہیں پا رہا، اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، کب سے کوشش کر رہے ہیں؟ تقریباً میں 1.5 سال ہو گیا وہاں پہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی باہر گئے ہیں آپ؟ جی، میں پہلے رہ کے آیا ہوں سعودی عرب۔ اچھا، پہلا سفر آپ کا ناکام تھا یا کامیاب تھا؟ پہلا تو بہت اچھا تھا۔ پہلا بہت اچھا تھا، کتنے عرصے پہلے آپ نے پہلا سفر کیا؟ آج سے 3 سال پہلے۔ 3 سال پہلے، اچھا، آپ کو ڈیٹ آف برتھ آپ کی یاد ہے؟ جی، بولیے گا۔ 30 جولائی 1991۔ بولیے گا۔ 30 جولائی 1991۔ 30 جولائی 1991۔ اچھا،
ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे या कॉलिंग की? हम ठीक है, मैंने आपका हिसाब किया है, 12 से 16 माह के अंदर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब सफर होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वहाँ सेटल हो जाएंगे। ठीक हो गया, जबरदस्त। चले जनाब, अब बहुत सारे लोग जो है, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे तीनों मेहमानों को चाहिए होगी, जो आपसे वो डेट ऑफ बर्थ और आपका कुछ नाम वगैरह पूछेंगे ताकि आप कॉल करें तो आपको पता हो। आप अपने पास अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी आप याद रखिएगा। अच्छा यासीन भट्टी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगी। अभी आपने कहा कि ये आइंदा आने वाला साल जो है पाकिस्तान के लिए हक में बहुत बेहतर होगा, लेकिन बहुत सारे जो सियासी शख्सियात हैं उनके सितारे कुछ गर्दिश में हैं, चाहे वो शरीफ खानदान हो या आसिफ अली जरदारी हो, क्या लग रहा है, क्या है? ये बिल्कुल सही बात आपने बताई। पहली बात ये बताऊं कि ये जस्टिस निसार जो है ना, जी जी, साकिब निसार, ये इस तरह काम कर रहे हैं जैसे पहले थे इफ्तिखार जस्टिस, इफ्तिखार चीफ जस्टिस वो भी थे, बिल्कुल, जिस तरह वो मंसर से थे गायब, उनको तो कोई पता नहीं, लेकिन ये मंसर से गायब नहीं होंगे, ये फाल हो गए और बहुत और भी ज्यादा काम करें, वेलफेयर काम बहुत ज्यादा करेंगे, पेश रहेंगे काम करेंगे। ऐसा नहीं कि जनाब ये रिटायर होने के बाद खत्म हो जाए, उसके बाद मजीद पजीराई उनको मिलेगी, आवाम इसको पसंद करेंगे। अच्छा अब जहाँ तक वो मुतलक है ना नवाज शरीफ का, वो तो आपने देखा सजा होगी उसको, लेकिन अभी वो उसका अभी उसकी अपील होनी है। अच्छा उसके सिलसिले में भी अपील जो है जेरे दर है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें 50-50 चांस हैं, उसमें ये जमानत पे रिहा भी हो सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, या वो केस जो है ख़त्म ही हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक बात बताऊँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनका जो है मार्च तक ये बिल्कुल उनका मामला साफ होकर बाहर आ जाएंगे। अच्छा बिल्कुल, शहबाज शरीफ जो है तो आगे साल का आखिर जो है ना, उसमें जो है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें थोड़ा सा फिर गर्दा में आ जाएंगे, लेकिन मतलब फिर भी इससे सर निकल जाएंगे इनका जो है बचाव। जहाँ तक इनका ताल्लुक दूसरे मामला इनकी मरियम नवाज है, उसका तो फ्यूचर को नहीं, मखदूम से फ्यूचर, उसके फ्यूचर की उसका मामला इसी का बात नहीं है कि आगे जाके लीड करें या कुछ, जैसे सुनने में आ रहा था। उसके बाद हमजा साहब है, उनका भी ना होने के बराबर, उन्होंने अभी तक उनको शिकंजा उनके अगेंस्ट वो कसा जा रहा है, उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। अब उसके बाद आप रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज टीवी पे आ रहा है कि जरदारी साहब के बारे में थोता चने बाजे करना, वो जो है मतलब उनके चूंकि जाहिर उनके मांस है तो शोर शराबा कर रहे हैं, किसी तरीके हम भी करेंगे। असल में पीपल पार्टी को मैंने पहले भी यहाँ इसकी स्टे वगैरह था, इन पीपल पार्टी को ख़त्म ही इन्होंने किया खुद जरदारी साहब ने, पीपल पार्टी जो उसकी तो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि पीपल पार्टी ऐसी फाल होगी या बड़ी तारीख चलाएगी, कुछ नहीं होगा इसका, इनको पकड़ा जाएगा मेरा ख्याल है। जरदारी साहब भी जा रहे हैं, बाकी दीगर और भी साथ इनके अकाबरीन जो बड़े बड़े हैं, जिसको कहते हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेना बड़ा मुश्किल नजर आता था, अब उसमें होता है, अब बड़े बड़े लोगों पर हार नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, जैसे इन्होंने भी कहा है आगे होगा ये सिरसा, ये उनको ये सफाई हो जाएगी, बिल्कुल जैसे साहब ने उन्होंने कहा है कि क्लियर कट ये देखें कि अगला सवाल ये बाकी 10 में बड़ी अच्छी मैं भी ये निकाल के लाया था, तो इनकी बात बड़ी सही, मैं इंडोर्स करता हूँ इनको कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि ना सिर्फ ये दो ये सोच रहे हैं ना कि पूरे नहीं करने खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो ही आ जाए, ये सारी दिया लिव इन फुल पैराडाइज, हम को जन्नत में रहते हैं जो कहते हैं कि इमरान को ऐसे अल्लाह की तरफ से आया है। मैं बताऊँ देखो सारे से है कि तकरीबन तो अपने सब लोगों का ख्याल ये था कि शायद ये नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि तख्त लाहौर जो था उसमें हमारी मैं और भी 16 लाख थे उनके साथ में डिस्कशन हमारी हुई है, तो चूंकि लाहौर में बाकी ये है कि पंजाब में तो मेजोरिटी इसकी आई है नवाज शरीफ की, इसमें कोई शक नहीं, नून लीग की मेजोरिटी है, लेकिन बाकी सारे बाकी मिले सारे आज़ाद मिल के तो उड़ गया। अब ये जब बन गए ना तो अल्लाह को मकसूद है पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था इस्लाम के लिए बना था, वो अब उसकी वो इस्लामी अकदार का जरूर पजीर होने जा रही है, और ये वो 3 नंबर जो 2000 जो उसका अदद ऐसा इनफरादी अदद जो 3 आया ना ये बड़ा अच्छा अदद है, और उसके बाद और पाकिस्तान का अदद जाती नंबर 5 है, 14-15 को आया, इसका भी 5 अक्टूबर है, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है इमरान खान की 5 अक्टूबर है, उस लिहाज से 5 का भी मरकरी का अदद है, ये जो है ठहराव नहीं, एक मैपोर कर दिए जमूदरी होता है इसको जो निकल जाता है, इसलिए उसके लिहाज से पाकिस्तान को इस्तेकाम मिलेगा, अल्लाह ताला जिसके हाथ से दे देगा, जैसे अल्लाह ताला ने इसको मौका दिया है आगे जा रहा है, और बकायदा बोर्ड फैसले कर रहा है, उसको मकसद कोई है नहीं, उसने कह दिया मेरा मुद्दा ही पाकिस्तान की बेहतरी, बिल्कुल चले अब देखते हैं आने वाला वक्त क्या कहता है। जनाब एक कॉलर आ चुकी है फलक हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम,
जी वालेकुम सलाम, मेरा डॉक्टर अली से ये सवाल है कि 2019 करियर के लिहाज से और पर्सनल लाइफ के लिहाज से मेरा कैसा रहेगा। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं फलक। 2 फरवरी 1994। मदर्स नेम? मदर का नाम, अपनी वालदा का नाम बताइएगा। अंजुम। अंजुम, अंजुम है आपकी वालदा का नाम। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग फलक। अभी आपको जवाब दे देते हैं, डॉक्टर अली को बता देंगे। अब डेट ऑफ बर्थ और मदर का नाम चाहिए होगा आपकी, और उसके हवाले से ये आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अच्छा, हिंसों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है आपकी पर्सनालिटी से, ये बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं। डेफिनेटली, क्या कहेंगे आप फलक के हवाले से? इनका है जी नंबर 9 है ये, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, करियर के हवाले से जो है, और इनका जो है ये 94 जो है ये रिपीट होगा 2020 में, अगला साल जो है। अच्छा, और इसके अंदर जो है इनकी बेटरमेंट जो है करियर के हवाले से, लाइफ के हवाले से जो है इंशाल्लाह वो होगी, क्योंकि 94 में इनकी बर्थ है। 94 जो था चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से वो 2020 में दोबारा रिपीट होगा, ऑस्पिशियस ईयर था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अलीफ, जैसे यासिन भट्टू साहब भी कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें होती है, इमरान खान के हवाले से भी कहा गया, जो बाकी हम एक पॉलिटिकल सिनेरियो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अकेले मेस है, एक हसल बसल है, उसकी वजह से पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या लगता है कि आने आने वाले सालों में ये जो गवर्नमेंट है पब्लिक को किस तरह से डिलीवर करेगी, या किस तरह की चीज़ें बेहतर होंगी? ये जो है ना 2019 बहुत सारे एतबारात से एक गैर मामूली साल है। ठीक है, ठीक है। अब पब्लिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से पब्लिक के लिए बेहतरी शुरू होती है। ख़ास तौर पे मार्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु और केतु जो हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो अपना घर तब्दील कर रहे हैं 23-24 मार्च को। उसमें ये है कि इनका जो चेंज करना है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन का बायस बनेगा पब्लिक के लिए, मगर ये फेज चलेगा अक्टूबर तक, कंफ्यूजन का जो फेज है। उसके बाद जो है पब्लिक की फैसिलिटेशन जो है वो गवर्नमेंट की साइड से शुरू होगी। खासतौर पे इस गवर्नमेंट ने दे हैव प्रूव देमसेल्फ्स के इन्होंने डिलीवर किया है केपीके में, सेम लाइकवाइज ये यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज जो है और एजुकेशन जो है ये बेहतर होने जा रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, एक कॉलर ले लेते, जल्दी से सना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सना, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक सना। जल्दी से अपना सवाल है अली जैदी साहब से। जी जी। एक महीने में मेरे 2 बार एक्सीडेंट हो गए हैं। ठीक है, इसकी क्या वजूहत है? क्या कोई टाइम जो है वो मुश्किल चल रहा है, उसके लिए क्या जो है एहतियात की जाए? अच्छा, आप अपना नाम बताएंगी? सना है इनका नाम, और डेट ऑफ बर्थ भी बताएं आप प्लीज। 7/12/1991। ठीक है, आपके जो है उसके अंदर हादसाती रुझान आ रहे हैं। ठीक है, आप जो है जो सफ़र है जो ज़रूरी बनता है सिर्फ वो करें, गैर ज़रूरी फ़िलहाल सफ़र आप ना करें, और उसके अलावा किसी भी काम में रिस्क आपको लग रहा है या किस में आपको लगता है, यानी कि जैसे आपको ये लगता है भी तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ें तो आप गिर सकती हैं, तो जो भी यानी कि आपके जहन में मुमकिनात एहतियात हैं वो करें, और साथ आप एक जिंदा चूचा लें या जिंदा मुर्गी लें और उसको सिर से 7 मरतबा क्लाक वाइज वार कर किसी मुस्तहक को दे दें या कब्रिस्तान में फेंक दें। जान का सदका जान है और माल का सदका माल है। ठीक हो गया अभी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सना, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।